एक तो कोरोना का कहर देश भर में जारी है, ऊपर से बारिश और बाढ़ ने कोहरा मचा रखा है। लोग जाएं तो जाएं कहां, घर के बाहर पानी, घर के अंदर पानी, और तो और बाहर निकलने पर सांप बिच्छुओं का डर। लगभग आधा हिंदुस्तान इन दिनों कुदरत के इस डबल अटैक को झेल रहा है। बारिश और बाढ़ से जूझते लोगों की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। सेकंड के इस वीडियो को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। पानी का प्रहार क्या होता है, 6 सेकंड के इस वीडियो फुटेज में आप समझ जाएंगे। ट्रक के ड्राइवर को सोचने के लिए 2 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। कहने को तो ये एक पुल है जिसके ऊपर से नदी का पानी उफान मार रहा है। ट्रक के ड्राइवर ने पानी के इस वेग को हल्के में लिया और ट्रक को उफनती लहरों के बीच इस पुल पर उतार दिया। फिर नतीजा क्या हुआ आप देख सकते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में मॉनसून सीजन की पहली मूसलाधार बारिश शुक्रवार शाम को हुई, जिसके बाद शहर के अंदर और बाहर पानी ही पानी हो गया और नदियां उफान पर आ गईं। लेकिन स्थिति की गंभीरता को इस ट्रक ड्राइवर ने नहीं समझा और ट्रक को पानी की तेज धार के बीच पार कराने की सोची और महज 2 सेकंड में ही ट्रक समेत पानी में घुस गया। बार डूबा तो फिर ट्रक का नामो निशान नहीं दिखा। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और खलासी ने तैरकर अपनी जान बचा ली। ये तस्वीरें भोपाल की, जहां भारी बारिश के बाद भदभदा डैम के 11 में से 10 गेट खोल दिए गए। लगातार हो रही बारिश के चलते 10 गेट करीब 8 घंटे तक खुले रहे। इसके साथ ही भोपाल के कलियासोत डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए। इससे पहले 2006 में सभी 11 गेट खोले गए थे। अब 14 साल बाद भारी बारिश के बाद ऐसी स्थिति आई है जिससे डैम के 10 गेट खोलने पड़े। भोपाल नगर निगम के मुताबिक अगर जल स्तर कम नहीं हुआ तो और भी डैम खोले जा सकते हैं। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस।